if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and तो भैया आज मार्केट से आ गए घर 9 बजे. मूड थोड़ा सा अपसेट है, क्या करें, होता रहता है. जब थोड़ी दिल की ना हो तो भाई दिमाग खराब होता है. अब आज बिल्कुल ब्लॉग शूट नहीं करा मार्केट में, क्योंकि मन मतलब जगह सोची थी कि यार यहाँ लगा देंगे, थोड़ी दुकानदारी हो जाएगी. वो सारा जहाँ मेरे को जगह पहले ही मिली हुई है, उस जगह इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ कोई देखने को तैयार नहीं है. मतलब आज के अगर मैं सेल गिनने भी जाऊँ ना तो मुझे पैसे गिनने की जरूरत नहीं है, इतनी कम सेल है. 160 रुपये की सेल है, पाँच कस्टमर, जिसमें से तीन कस्टमर 40-40 वाले और एक कस्टमर, दो कस्टमर 20-20 वाले. तो काम ख़त्म. मूड इतना अपसेट हो रखा था कि धंधा करने का मन नहीं कर रहा था आज. मैं बिल्कुल नहीं बोला, चिल्लाया नहीं मैं, होगी बोनी तो होगी. तो 90 रुपये तो खैर दुकान मार्केट के थे, वो देख के आ गया क्योंकि भैया उनका खर्च है. तो रश्मि बुला रही नीचे कि आ जाओ खाना खाते हैं. मैं नहीं यार, अभी अच्छा जल्दी आया हूँ तो थोड़ा काम निपटाऊँगा, एडिटिंग करूँगा अब इसके बाद, क्योंकि कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए कहीं ना तो, कहीं तो कुछ टाइम लगाना ही है ना. चलो आज थोड़ा सा मन अजीब सा हो रहा है, तो मिलते हैं फिर दूसरे किसी ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ. कल ठीक हो जाएगा मामला, अभी थोड़ा डाउन है लेकिन ठीक, अभी भी ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है. क्योंकि घर वाले के साथ आ जाएंगे तो मतलब फैमिली के साथ आने के बाद हैप्पीनेस आ जाती है अपने आप ही. और बाकी आज की कमाई सिर्फ 160 रुपये है, जिसमें 90 रुपये दे के आ चुके हैं, 50 रुपये बचेंगे तो वो अब किसको दें किसको नहीं कुछ नहीं पता, तो किसी को नहीं देंगे. ख़त्म करते हैं आज. देखो ये हमारी चल रही एडिटिंग इस टाइम पे, लेकिन ये परेशान आत्माएं आ गई. और एक परेशान आत्मा का ये देखो, ये भाई हाल, और कितना ऊपर उठा हुआ है इस टाइम पे ये. अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है, अभी से पहले आप देखते ना भाई साहब, वो टॉप पर चला गया था ऐसे, इतना ऊपर आ गया था ये. ये देखो, हाँ ये देखो, ये देखो भाई साहब, बहुत परेशान कर रहा है इस टाइम. ये आने वाला ना, इसीलिए अब ये खलबली मचा रहा अंदर. क्या कराया गया? अच्छा निकाला था क्या? ओके उसने बड़ा बड़ा हो गया था ना ऊपर वाले में, तो इसलिए मैंने तोड़ दिया. अच्छा तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और ये देखो ये लगी हुई है सुबह सुबह काम में. आज क्या होगी? आज मेरी चाचा आते हैं, लेकिन आज ये लगी हुई है. बोली क्या बना रही है? आज मैं सैंडविच बना रही है. सैंडविच हरा भरा सैंडविच, जो ये जाके बाहर नहीं खाती वो सैंडविच खाती नहीं, सोचते कि मैं आज आज हम लोगों के लिए. और ये ना दिन खत्म नहीं करे तुमने, साइड लगा दो. मैं खत्म किया, मैंने खत्म किया, झूठ मत बोलो. वो जो है झूठा रास्ता तोहफा हो क्या? तोहफा हो क्या? तो चलो जल्दी उठ गए, थोड़ा सा उसका फ़ायदा खाते हैं, नाश्ता बना रहे हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं और फिर सो जाते हैं, यही फ़ायदा खाएंगे हम लोग. ठीक, जल्दी उठे, जल्दी नाश्ता करके फिर सो जाएंगे. थोड़ा इसलिए मिलते हैं. बुझा कहाँ है, दिखाओ. ये सॉस नहीं है माता, सोया सॉस. ये खा सकते हैं नहीं खा सकते? ये तो चाउमीन में डालने वाली चीज़ें हैं. सिरके हाँ, तो माता गई थी लाल चटनी लेने, निकल आई काली चटनी. चलो चाउमीन में डाल देंगे सब. मुझे क्या पता क्या, मैं तो सोच पोच रखे हैं. अरे कल परसों हमने बनाया था ना पिज़्ज़ा रात में, है ना, एक ही तो था लेकिन तब भी दो थे ना, दो कब गए. हमारे अब सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है मस्त के अंदर. माता खा रही है मस्त मस्त, हम भी खा रहे हैं मस्त मस्त, बिल्ली खा रहा है मस्त मस्त, बाबू भी खा रहा है मस्त मस्त. ओहो भैया हम तो सो गए थे, यहाँ हो रही है बारिश,
कपड़े पहले में कपड़े उठा जाते पहले हल्के हो गए गीले। अभी हमने ली है 2 घंटे की नींद, अभी क्या नींद आई है, मौसम के चक्कर में शायद नींद आई है, पर यहाँ देखा तो बारिश होती मस्त। ये कपड़े 2 दिन से सूख रहे हैं, बारह सूखते हैं फिर बारिश होती है गीले हो जाते हैं और फिर भाग के जाओ सुखाओ और फिर ये गीले आते हैं तो चलो पहले फ्रेश हो जाए। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues. So, workout okay, done. Aaj tha push-ups and chin-ups workout. ठीक है, मिला के कंप्लीट कर दिया है और आराम करा तो करना तो पड़ेगा इसके बाद का वर्कआउट। तो सबसे अच्छी जो बात रही वही है कि आज चिन अप्स जो है अच्छे से मारें और पुशअप्स भी अच्छे मारें तो स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बट मेरे साथ यही चलता रहता है, कभी स्ट्रेंथ बढ़ती है कभी घटती है, तो मैं एक मार्क पर आ गया हूँ, उसके ऊपर भी नहीं जा पा रहा, उसके नीचे भी जा पा रहा, वहीं पर ही कहीं स्टक कर रहा हूँ बार बार, और मुझे पता ही क्यों होता है, लेकिन अभी तक मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, कोशिश तो करेंगे ना, क्योंकि ये जो लिखा है ना ये वही है, आपको उल्टा दिख रहा होगा पर मैं पढ़ देता हूँ। आई ओनली फेल व्हेन आई स्टॉप ट्राइंग, मतलब मैं तभी फेल हूँगा जब मैं ट्राई करना स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करना स्टॉप नहीं करूँगा भैया, मुझे पता है कि कभी ना कभी तो ऊपर जाएंगे जाएंगे, नीचे नहीं आना। तो चलो हम नीचे चलते हैं, नहा धो के खाना बनवाते हैं, क्योंकि आज सब सो रहे थे तो खाना नहीं बनाया, खाना बनाएंगे और फिर हल्का सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे आज, फिर चलेंगे मार्केट शाम को और वहाँ के दिखाते हैं मार्केट कैसी है कैसी नहीं। कल का दिन तो बहुत लास्ट में बहुत ख़राब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे दिमाग के हिसाब से बहुत वॉश किया, क्योंकि यहाँ पर जो था ना बहुत कचरा जमा हो गया था, बहुत टेंशन हो गई थी, तो कल 1 घंटे पहले वापस आ गए थे, बट आज नहीं, आज सेल करेंगे। तो फोन शुरू हो गया और हम आ गए हैं मार्केट। ये एक तरह से मौसम डाउन है, आज दुकान आधी लगा दी आधी लगने, बाकी बादल चढ़े हुए हैं पूरे, हल्की हल्की चीटें पड़ रही हैं, पता नहीं दुकानदारी होगी नहीं होगी, कंफर्म नहीं है। तो भैया दुकान है तैयार बोनी के लिए और अब बोनी का वेट है, थोड़ी देर में लाइट जाएंगे क्योंकि आज मौसम जो है डार्क है, अब थोड़ा खुल गया और फिर भी मौसम थोड़ा डार्क है, तो 15 मिनट लाइट जला देंगे। भैया रश्मि का संदेश आया है कि बारिश तेज़ हो सकती है, हमने कहा तेज़ होगी तो देखा जाएगा, खेल लेंगे थोड़ा सा और क्या, अपने पास पन्नी वन्नी भी सब सारे ऑप्शन रखते हैं, चलते हैं, बस ये है कि बारिश इतनी हो कि परेशान ना करो, परेशान कर दिया तो हो जाएगा मन लगता है, कल तो कमाए था आज भी नहीं कमाएंगे तो कमाएंगे ही। तो भैया आज तो बगल में भी फल वाले हैं, सामने भी हैं और इधर भी दुकानें लगी हुई हैं, इनको देखते हुए तो लग रहा है भैया आज प्रधान ही जाएगी यहाँ पर, क्योंकि प्रधान यहाँ तक आएंगे, प्रधान के चेले आ जाएंगे यहाँ तक, प्रधान ना भी आए तो। तो भैया 7 बजे जाके बोनी हुई है 70 रुपये से, कोई नहीं शुरुआत हुई, देर से हुई लेकिन हुई, ये ज़रूरी है कि शुरुआत हो जाए। चलो अब और दुकानदारी करते हैं, मौसम में थोड़ा बहुत कई छींटे पड़ने लगे, बादल पूरे चढ़े हुए। तो भैया हल्की हल्की झिस्सी पड़नी शुरू हो गई है तेज, अगर ज़्यादा तेज रही तो मामला हो जाएगा ख़राब, अभी दुकानदारी सिर्फ वही 70 रुपये की हुई है। तो भैया बजने वाले हैं 8 और दुकानदारी लमसम 200 रुपये की हुई हुई है आज, बहुत ज़्यादा दुकानदारी नहीं चल रही, मुझे लगा 400 भी मुश्किल ही क्रॉस करूँगा, देखो जीसी चल रही है, बस जीसी में खड़े होने का मज़ा आ रहा है, माल गीला ना हो बस। तो बजने वाला 9, लमसम 450 की मुझे लगता है दुकानदारी हो गई होगी, मार्केट भी अब डाउन हो रहा है धीरे धीरे, कस्टमर कम हो रहे हैं। अब जो एक बात है ना वो ये है कि ये जो टी शर्ट है ना, ये टी शर्ट मुझे लगता है कि मेरे लकी टी शर्ट है, वीरवार के दिन मैं इसी को पहन जाता हूँ हमेशा, अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे तो इसे ही दिखेगा, लेकिन अब सेल कम हो रही है तो कहाँ गया वो लक, मतलब कि ये सब सोचने की बातें, मतलब मुझे लगता है चुराबे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा जब भी होता है जैसे आपके साथ एक जैसा होता रहे ना तो आपको लगता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि लक नाम की चीज़ सिर्फ तब काम करती है, मतलब अगर होती भी है जब आप एफर्ट लगाते हो और उस चीज़ की एफर्ट भी सही जगह लगाते हो, राइट। तो ये जो भैया जा रहे हैं अभी बाइक पर, ये वाले भैया निकले, तो ये भैया मुझे एडवाइस करते हैं कि आपकी आवाज़ कम है, लाउड स्पीकर लगा के काम करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे क्या है कस्टमर्स को सुनाई देगा और एटलीस्ट
कुछ दुकानदारी होगी। तो मैंने कहा सर आपकी बात सही है, बट पंगा क्या है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा जो ध्यान है ना वो कस्टमर पर हट जाएगा और मेरा ध्यान मोबाइल में चला जाएगा, और मोबाइल में यूज़ करना नहीं चाहता, बस ब्लॉगिंग के लिए कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो ठीक है। तो कह रहे ठीक है, आपकी सोच अच्छी लगी मुझे और मेरा नंबर ले गए हैं, बाकी कह रहे हेल्प करेंगे स्टॉक्स वगैरह खरीदने में अच्छी जगह से, बस बाकी जो होगा वो बताया जाएगा आगे, ठीक है। तो ऐसे अच्छे लोग मिलते रहते हैं यार कभी कभी, आपका मतलब आपका जो वर्क देखते हैं ना तो उसमें अप्रिशिएशन मिलता है थोड़ा बहुत, तो वो अच्छा लगता है, चाहे उसमें फिर पैसा आए चाहे ना, वो बात की बात है। तो लमसम बच गया 10 बजे तक और मार्केट लमसम ख़त्म हो गया है, आधे पौने घंटे की बात है। और अब जैसा कि ये मार्केट करता है वैसा ही आज हुआ भी है, थोड़ा सा सेल हुई है लास्ट में, और मुझे एक्चुअली पता नहीं अभी कितनी सेल हुई है, वो तो घर जाके पता लगेगा। लेकिन ये है कि क्लास में कस्टमर आए थे वो भी अच्छा बताया गया कि आप सामान अच्छा बेचते हो, आप सही लेने आते हैं, जुराबे वगैरह जब भी लेनी होती है। तो चलो आधे घंटा और देखते हैं, उसका चलते हैं घर और घर पर फिर बताते हैं कि कितनी आज हमारी सेल हुई है। चलो जी अब चलते हैं घर, सामान हो गया बैग, वो बाइक खड़े। तो दोस्तों घर पे आ गए हैं और पैसे कर लिए काउंटिंग, और जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि वीर बाज़ार जो है मेरा अच्छा बाज़ार है, मतलब कि और बाज़ारों से ज़्यादा अच्छा चलता है, लेकिन यह है कि कभी कभी ढीला भी रहता है। तो आज जो शुरुआत थी वो बहुत ढीली हुई, मतलब 7 बजे के आसपास तो बोनी हुई थी जैसे कि आपने देखा, और देन धीरे धीरे कभी कस्टमर आ रहे कभी नहीं आ रहे पैसे चल रहा था, बट बीच में इसने पीक पकड़ा और ठीक कमाई कर लिया आज हमने। तो चलो पहले गिन लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 तो 1060 रुपये की जो है आज सेल हुई है, ठीक है, जितने की मैंने उम्मीद नहीं की थी कितनी हो जाएगी, चलो ठीक है इतनी हुई है सेल, और अच्छा लग रहा है क्योंकि जब इतनी सेल होती है ना इससे ऊपर सेल हो तो अच्छा लगता है ज़्यादा, बट इतनी सेल भी हो तो ये रहता है कि चलो ठीक है कुछ तो हुआ मार्केट में जाके, ठीक है, निराशा हाथ नहीं लगी। और बाकी एक दो जैसे मैंने वाक्य बताए कि एक भैया मिले थे अप्रिशिएट कर रहे थे और एक कस्टमर थे पुराने, वो कहते थे कि आपसे माल लेने में ही अच्छा लगता है, ठीक है, तो उन्होंने ऑर्डर भी दिया, कुछ अगर होएगा तो वो भी लेके आएंगे उनके लिए, और आज की सेल ये है। तो चलो अब आज इस वीडियो ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा कोई वही अपडेट नहीं है, बस ये है कि रश्मि का जो बाबू है, मतलब हमारा जो बाबू है वो पूरा भाई, मतलब इतना बाहर आया था ना, इतना बाहर आया था कि भाई आंखों से विश्वास नहीं होता, लगता कितना डर लगता है मुझे देख के यार, कि यार ऐसा ना उसका पेट ही बढ़ जाए ऐसा डर लगता है, लेकिन ऐसा खैर होता नहीं है, बट फर्स्ट टाइम माँ बाप बन रहे हैं ना, कुछ पता नहीं अभी एक्सपीरियंस नहीं इसके बारे में। तो चलो अब ये है कि सब सही रहे, तो खुशखबरी सुनाते हैं आपको, ठीक है, बाकी अभी अब क्या होने वाला है कुछ नहीं कह सकते, हाँ अब कल क्या होने वाला है ये कह सकते हैं कि भैया कल अभी मार्केट जाने के पैसे तो कहना है नहीं, तो इसमें से जो भी सेविंग होगी थोड़ी बहुत रश्मि को देंगे, थोड़ी बहुत मैं रखूँगा, मम्मी को दे दिए, बाबू को दे दिए, ठीक है, और परसों हो सकता है मार्केट जाएँ अगर कल सेल अच्छी हो गई तो। तो अब कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अब मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तो चलो अब मिलेंगे कल अगली वीडियो में नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ और नए एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि जब आपकी तीनों चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, तीन चीज़ का एक बॉडी एक माइंड और एक पैसा, पैसा आती है, और इससे पहले पैसे से पहले रिश्ता आता है, रिश्ते, ये तीनों चारों चीज़ अच्छी चल रही हो ना तो फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी चलने जाती है, ये मैंने कैसे सुना है और इसलिए बोल दिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बाय, शबा खैर।